दोस्तों, आप लोगों ने आम तौर पर बारिश के समय पर बादलों को गरजते और बिजली को चमकते हुए देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों गरजते हैं बादल और क्यों चमकती है बिजली? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को जानेंगे कि क्यों गरजते हैं बादल और क्यों चमकती है बिजली। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आकाश में चमकने वाली बिजली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द्वारा उत्पन्न एक फ्लैश यानी कि तेज रोशनी होती है। आपने अपने घर में या बाहर बिजली की तारों में उत्पन्न छोटी चिंगारी तो देखी ही होगी। आकाश की बिजली भी इसी चिंगारी की तरह होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि यह चमकने वाली बिजली बड़े पैमाने की चिंगारी होती है। दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं कि बिजली कैसे पैदा होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बादलों में नमी होती है। ये नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों या बर्फ के क्रिस्टल के रूप में होती है। जब हवा और इन जल कणों के बीच घर्षण होता है तो इस घर्षण से जल कण आवेशित हो जाता है यानी कि चार्ज हो जाता है। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ समूह ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है और ये बिजली हमें चमकते हुए दिखाई पड़ती है। अब चलिए जानते हैं कि बिजली चमकने के बाद ही बादल क्यों गरजते हैं। दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। आकाश में यह चमक अक्सर 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उत्पन्न होती है। इस चमक के उत्पन्न होने के बाद ही हमें बादलों की गरज भी सुनाई देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिजली और गरज के बीच गहरा रिश्ता है। दोस्तों, वास्तविक में बिजली चमकने से हवा में बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। हवा में गर्मी आने से यह अत्यधिक तेजी से फैलती है और इसके लाखों करोड़ों अणु आपस में टकराते हैं और इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज उत्पन्न होती है। प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, जबकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज हम तक देर से पहुंचती है। यही कारण है कि दोस्तों, बिजली चमकने के बाद ही हमें बादल की गरजने की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।